हेलो, मैं ऋतु बिष्ट। मेरी जब प्रेगनेंसी शुरू हुई तो अपने फ्रेंड से मैंने कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे कई हॉस्पिटल्स बताए, बट मुझे जो बेटर लगा, जिसके ट्रीटमेंट अच्छे होते हैं, कैलाश हॉस्पिटल के बारे में मैंने सुना, सेक्टर 71 में जो है। तो वहाँ हमने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। जो गायनिक मैम हैं, जो सीनियर हैं, डॉक्टर नीलम बेनारा, उनसे हम मिले, उनसे मीटिंग की, फिर उन्होंने हमें गाइडेंस दी। देन एक दो हमने विज़िट किया, उसके बाद ही हमें मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। फिर हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया और मतलब डिसाइड किया कि हम अपना जो डिलीवरी है वो यहीं पर कराएंगे। कोविड के टाइम में, इस बीच में जब डॉक्टर्स कहीं ना कहीं आपका साथ छोड़ देते हैं, तो उस बीच में भी वो मतलब हमें मतलब स्टेबल कर रहे थे कि आप अगर हॉस्पिटल नहीं आ पा रहे तो आप फ़ोन के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और कंटिन्यू हमें फ़ोन के ज़रिए कुछ भी इशू हो रहा था तो हम किसी भी टाइम कर सकते थे। हमें ये मतलब ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं थी कि हम उन्हें कॉल ना करें, हम झिझके। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी यहाँ की लगी कि हम किसी भी टाइम किसी भी समय कॉल उन्हें करके अपनी दिक्कतें बता सकते हैं, और वो बहुत ईजिली हमारे हेल्प करते थे। और फिर जब जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम आया तो बहुत ईजी रहा हमें, मतलब कहीं कुछ ऐसे भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कहीं ऐसा मतलब कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लगी कि हमें ये नहीं पता ये नहीं पता। बहुत इजीली जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, जैसे एडमिशन्स को लेकर हम कहें तो जो रजनी त्रिपाठी मैम हैं, उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की। एडमिशन बहुत इजीली हुआ, और कुछ थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस आए डिलीवरी से पहले और फिर, बट वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो गए और बहुत इजीली मेरा बेबी बॉय हो गया। नमस्कार, हेलो, मेरा नाम भुवन शर्मा है, ये मेरी वाइफ है ऋतुविश, जैसा कि ये बता चुकी हैं आपको, हमारा बेबी बॉय हुआ है। तो हम लोग बहुत खुश हैं और इस वक्त हम लोग नोएडा 71 कैलाश हेल्थ केयर, जो कैलाश हॉस्पिटल है, वहाँ पर मौजूद हैं और यहीं पर हमने जो है ये डिलीवरी कराई है। इससे पहले जो कंसल्टेशन है और जो डॉक्टर्स हैं वो यहीं की डॉक्टर नीलम बेनारा हैं, जिनका रवैया, जिनका जिनकी काउंसलिंग बहुत बहुत बेहतरीन है, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। हमने गूगल पर भी उनके बारे में काफ़ी सर्च किया, तमाम रिव्यूज़ हमने देखे और फिर हमने डिसाइड किया कि हमें आना चाहिए, क्योंकि हमारा पहला बेबी है तो हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, किसी तरह की कोई गलत दिशा में नहीं बढ़ना चाहते थे। इसलिए हमने सोचा कि हम लोग एक बेहतर प्रोफेशनल जगह पर आएँ। तो मैं आपको बताता हूँ एडमिशन से लेकर के, रजनी त्रिपाठी जोशी यहाँ पर हैं जो कि मैनेजर हैं, उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज़ इतने आसानी से करा दी। क्योंकि पहला एक्सपीरियंस आप लोग समझ सकते हैं कि तमाम पेचीदगियाँ होती हैं, पता नहीं होता कि कहाँ जाना है, किस क्या क्या चीज़ें चाहिए इस दौरान। तो उन्होंने सारी चीज़ें बहुत एक गाइडेंस के तौर पर, एक गार्जियन के तौर पर उन्होंने हमारी मदद की, और नहीं लगा बिल्कुल भी ऐसा कि हम लोग ऐसी जगह पर आएँ जो हमारे लिए नहीं है। तो घर जैसा एक एटमोसफेयर, घर जैसा एक माहौल। एडमिशन से लेने के बाद यहाँ पर आए, रूम में शिफ्ट हुए, उसके बाद ओटी गए, उसके बाद जो भी प्रोसेस हुआ तो सारा इतना आसानी से हो गया, लगा ही नहीं पिछले 4 दिन कैसे बीत गए। और अभी फाइनली हम लोग का समय डिस्चार्ज का है और हम लोग अब निकलने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो के ज़रिए हम आपको यही बताना चाहते हैं कि दिल से दिया जा रहा रिव्यू है, जिसमें डॉक्टर से लेकर के यहाँ के तमाम फैकल्टीज, और सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ की है वो साफ़ सफाई, बहुत ही हाइजेनिक खाना, और यहाँ जो हॉस्पिटैलिटी की जो मेंटेनेंस और जो सर्विस है बेहतरीन है, लाजवाब। और ये बात जो है वो दिल से निकल रही है।